अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज जो है हम लोग पैकिंग कर रहे हैं फॉर दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग। इट्स अ मतलब ये हमारी फैमिली का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी शुरू किया है इस साल के लिए। माई इन लॉज डू इट एवरी ईयर, बट दिस टाइम आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई थॉट कि नाउ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, माई यूट्यूब फैमिली शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। सो लेट मी टेक यू अलॉन्ग विद दिस फॉर दिस प्रोजेक्ट विद ऑन दिस जर्नी, एंड इनशाला आप लोग ये वीडियो बहुत इन्जॉय करेंगे। और ये प्लीज़ वीडियो देखिएगा, I really want कि you guys watch this video, और आप लोग हमारे लिए दुआ करें और उन बच्चों के लिए दुआ करें। That's the most important कि आप उन बच्चों के लिए ख़ास दुआ करें। So basically आज हम लोगों ने पैकिंग शुरू करनी है। कल हम लोग चले गए थे बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट वी वेंट एंड वी गॉट ऑल द स्टफ। सो बेसिकली मुजफ्फराबाद में एक जगह, एक ऑर्फनेज है, इट्स बाय द SOS विलेज, एंड वहाँ पे there's a lot of orphans over there in that school, in that place, in that village, SOS village के नाम से है वो मुजफ्फराबाद में। तो वहाँ पे बहुत सारे orphans हैं, एंड हर साल हम लोग रमज़ान में उनके लिए ईदी जमा करते हैं, और ईद से फिर एक दो हफ्ता पहले वी गो और फिर हम बाय हैंड उन बच्चों को वो ईदी देते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एन NGO, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो चैरिटी के ऊपर चलता है, एंड यू नो उनके पास नहीं होते इस तरह के फंड्स कि वो बच्चों के लिए हर साल नई फ्रेश ईदी ले सकें। सो वी टेक इट ऑन आर सेल्फ कि हम उनके लिए ईदी लेंगे, हम सामान लेके आएंगे। सो वो सामान सारा कुछ कल ख़रीद लिया था, उसके थैले खरीद लिए थे, पैकेज खरीद लिए थे, आज उस सबको असेंबल करना है, बच्चों के नाम से उनकी एज के हिसाब से साइजेस देख देख के वो सब कुछ सेट करना है, पैकेट्स में डालना है। एंड ये दो तीन दिन का प्रोजेक्ट होता है, बिकॉज़ हम लोग लड़कों के पैक करते हैं, लड़कियों के पैक करते हैं, साइज़ देखने होते हैं सब, हर किसी के हर किसी के साइज़ के अप्रोप्रिएट उसको चीज़ मिले। फिर हर हाउस में मदर होती है जो उनकी गार्डियन होती है, बेसिकली जो केयर टेकर होती है वहाँ की, उसके लिए कपड़े डालने होते हैं। सो अलॉट ऑफ दैट, आप लोग वो पूरा प्रोसेस अभी देखोगे इंशाल्लाह। एज सून एज वी आर डन विद ऑल द पैकिंग एंड एवरी प्रेपिंग, तो फिर हम लोग खुद मुजफ्फराबाद जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आई टेक यू गाइज विथ मी ऑन दैट जर्नी ऑल्सो, और फिर हम लोग ये उन सबको देंगे। तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर यू गेट टू लर्न अ लिटिल अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, उन बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलें ऊपर चलते हैं, पैकिंग शुरू करते हैं, एंड सब उठ चुके हैं, एवरीबडी इज एक्साइटेड, एवरीबडी इज रेडी टू गो एंड पैक एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गेट पैकिंग और फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, दिस इज द लेआउट। ये अभी लेआउट हमने इसलिए किया था कि हम एज के हिसाब से इनको अलग करते जाएँ और देख लें कि कलर्स कौन से किधर जा रहे हैं। बट ये पूरा लड़कियों का है। सम ऑफ दिस, ये सेक्शन थोड़ा सा बॉयज़ का बीच में आ गया, बट बेसिकली तीन बैचेस होते हैं उधर। एक छोटी बच्चियां होती हैं, तो ये उनके कपड़े हैं, ये आपको दिखाती हूँ, ये उनके कपड़े हैं जो छोटी बच्चियां हैं, बहुत छोटी नहीं है, आई थिंक लाइक 6-7 होंगी। फिर थोड़ी बड़ी एज की हैं जो टीन एज गर्ल्स हैं, ये वाले उनके हैं टीन एज गर्ल्स के, ये जो ब्राइट ब्राइट कलर्स वाले हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इनके थोड़े जो फैंसी फैंसी, ये हो गया। और फिर जो हैं वो मदर्स हैं, जो आई थिंक वहाँ पे उनकी केयर टेकर्स हैं, उनको मदर्स कहते हैं, तो मदर्स के ये मैचिंग इस तरह के लिए हैं, वो उधर पड़े। सो अभी इनको बैठ के हम लोग पैक करेंगे। अच्छा, साथ में आपको वो भी दिखा दूँ कि देर इज़ वी गॉट ज्वेलरी फॉर ऑल द गर्ल्स। तो द थिंग इज़, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैचिंग ही लें, ताकि किसी को ये ना लगे कि उसको अच्छा मिला उसको बुरा मिला। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ द ज्वेलरी, एंड लास्ट टाइम हम नोटिस करके आए थे कि उनको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, सो दे लाइक अ लॉट ऑफ ब्लिंग एंड यू नो लाइक स्पार्कल टाइप, तो वी फाउंड ऑल ऑफ दैट फॉर देम। मुझे उनके बहुत ही क्यूट लगे एक्चुअली, बहुत ही प्यारे। एंड देन इसके अंदर उन सब के लिए ये पूरा डब्बा, इसके अंदर मेहंदी की कोन है, ये छोटे लड़कों के लिए बॉल है, लड़कों का अभी नहीं खोला, वो सारा यहाँ पे जमा हुआ हुआ है, वो अभी थोड़ी देर में खोलेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली इट, अभी हम इनको पैक कर करके प्रॉपर गिफ्ट पैक्स बनाएंगे, एंड देन वी विल गो एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे दे लाइक ऑल ऑफ दैट, दिस वन इज माई फेवरेट, आई लाइक दिस वन अ लॉट, इसके ऊपर काम बड़ा अच्छा हुआ है, इवन इसी का ब्लू बहुत अच्छा है, ये ऑरेंज, आई मीन ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी नाइस, दैट ग्रे इज़ रियली क्यूट। सो लास्ट टाइम हम ऑब्जर्व करके आए थे कि उनको किस तरह का सामान अच्छा लगेगा एंड ऑल दैट, सो दिस टाइम फिर हमने उसके हिसाब से लिया। लास्ट ईयर भी हमने यही किया था, बट उस दफ़ा हमें इतना पता नहीं था, तो
दिस टाइम वी मेड श्योर के जिसने हमें जो कलर्स गए थे या जो था हम उस तरह करें. सो ये सारी छोटी लड़कियों के हो गए ऑल. अभी इनको पैक करेंगे, इनको पैक करेंगे. एंड मैं तो ये इसी तरह ले जाना चाह रही थी, बट आई थिंक वील मेक वो जो गिफ्ट बैग्स बनाएंगे उनमें एक एक डाल देंगे. अच्छा, ये हर पैकेट के ऊपर उसका बच्ची का नाम और जिस हाउस में वो वहाँ पे होते हैं अपने स्कूल में उसका लिखते जा रहे हैं, फिर उस हिसाब से उनकी मेजर करके उनकी एज के हिसाब से आउटफिट अंदर डल रहा है. और फिर सबसे इंटरेस्टिंग हम उनको विद हैंड उनको देते हैं और उनकी जो खुशी होती है वो आपको दिखा देंगे. वो माशाल्लाह से इतनी हैप्पीनेस होती है कि मेरा इतनी दूर मुझे लेके जाते हैं. ये वाला कितना क्यूट है, लाइक द कॉम्बिनेशन पिंक एंड गोल्ड. हमने आयशा का बना लिया. आयशा इज फ्रॉम हाउस टू और ये उनके मैचिंग इयररिंग्स पूरा आउटफिट. ये फिर हम बनाते जाते हैं और ये गांधी बाहर रखा जाता है. थैंक यू. अब ऑन टू द नेक्स्ट. कमरे से जो पैक हो रहा है वो यहाँ आ रहा है. हाउसेस के हिसाब से अब स्टैक हो गया. ये हाउस थ्री के सारे जितने भी हैं लोग ये उनके पैक हो गए हैं उनकी चीज़ों के साथ. ये फिर है हाउस फाइव आई थिंक फोर. ये हाउस फोर के लोगों का है सामान. एंड ये पूरे पूरे स्टैक्स हमने बना के रख दिए हैं. फिर यहाँ पे ये हाउस फाइव चल रहा है. देन दिस इज़ हाउस नंबर वन. तो ये बाहर किसी का नाम, हाउस, उनका आउटफिट, उनका इयररिंग्स. तो ये उनके सब के हमने पैक कर दिए. तो ये इस तरह हमने पैकेट्स बना दिए हैं ताकि ये देते हुए भी इस तरह यूँ करके अच्छा लगे. जब वो जो भी उनकी हेड मिस्ट्रेस हैं वो देंगी, आई थिंक खुद हम जाके देंगे जो भी होगा. ये हैंगर्स वाले जो हैं ये छोटी बच्चियों के हैं, तो ये हैंगर में ही हमने छोड़ दिए हैं. ये तो मुझे बहुत क्यूट लगा है, पीच एंड गोल्ड. अभी क्या हो रहा है ब्रोस? फाइव एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल ठीक किए. टू थ्री. ये कुछ लिस्टें अपनी पूरी कर रहे हैं कि किसी का रह ना जाए. यार ऐसे ना करो, हम बिल्कुल सब गिना हुआ है. नहीं अभी 68 ये जो है ना मस्तियाँ में लग गए हैं सब ना. हम सीरियस काम कर रहे थे यहाँ. देखिए वहाँ कमरों से आवाज़ें निकाल निकाल के ये पड़े हैं वो पड़े हैं. ये अब हाउस के हिसाब से हो गए ना. तो अब ये जैसे फॉर एग्जांपल जिस हाउस में जो छोटे बॉयज़ हैं छोटे लड़के उनके भी पैकेट्स आ गए, उनकी मदर का भी आ गया. और ये इस तरह के बेसिकली सामान थोड़ा सा रह गया था उस बैग में, हमने वो पैक्ड सामान डाल दिया. ये थोड़ा सा रह गया था, वो गोना पैक दिस टुडे. एंड ये देखिए ना जिनके नाम हमने लिख के रख दिए थे बट इनके सूट रह गए थे, तो ये अभी हम आज पैकिंग करके इनके सूट अंदर डालेंगे. ये वाले काफ़ी क्यूट हैं. हाँ बाकी के गिफ्ट्स भी आ गए, बच्चों के भी आ गए. ये हम सारा आज करके फाइनल कर देंगे बैग. फिर इंशाल्लाह एक दिन एक दो दिन में हमने वहाँ जहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं दोबारा फॉर द सेकेंड बैच. और ये मिस्टर यहाँ सोए पड़े हैं. ये सारे वो शू बॉक्सेस हैं, ये भी अभी उन्हें बॉयज़ हैं उनकी हम इस तरह शर्ट डाल रहे हैं, नीचे पैंट्स हैं और एक एक घड़ी जा रही है उनकी. और जो छोटी लड़कियां थी उनका आउटफिट और उनके इयररिंग्स आ जा रहे हैं. और यहाँ गाजी नाम लिखते जा रहे हैं, मुझे पास करता है तो मैं पैकेट बनाती हूँ. तो ये हमारे सब अब पैक हो चुके हैं. हाउस 10 अब नेक्स्ट. हसी एंड शुएब हाउस 10 हैं दोनों. Assalamu alaikum everybody. So today is day 3 of our packing for the orphanage. Alhamdulillah, everything is done. The last thing that I need to do now is that Usama and I need to go aur hame bulk mein bachon ke liye snacks lane. Mera dil tha Eid hi humne complete kar diya hai, magar mera dil tha ki ja rahe hain to unke liye na juice chips thodi si candies is tarah ke bhi goodie packs bhi bana le saath jo chote bacche hain unke liye. So अभी बस थोड़ी देर में as soon as Usama's back home from work we're going to go and जाके उनके लिए वो स्नैक्स वाला सामान लाते हैं. दैट्स द लास्ट दैट्स लेफ्ट. बाकी लड़कियों के मदर्स के बच्चों के बॉयज़ के सबके कपड़े पैक हो गए हैं. लिस्ट्स आर रेडी, एवरीथिंग्स रेडी. इंशाल्लाह कल हमने मुजफ्फराबाद के लिए निकलना है. आई टेक यू अलॉन्ग फॉर ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. एंड एवरीथिंग इज़ डन. बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप द किड्स लाइक एवरीथिंग. उनको एफर्ट हमारी पसंद आए, चीज़ें पसंद आएँ. साइज़ का हमें थोड़ा डर है मगर मुझे यही है कि वो आपस में इतने फ्रेंडली होते हैं कि वो बदल लेते हैं. अगर किसी को साइज़ ना पूरा हो तो वो साथ वाली लड़की से वो अपना साइज़ चेंज कर लेती है. तो that's that and basically I'll tell you guys a little bit more about it. So this orphanage in Muzaffarabad is by the SOS village. You guys can google that SOS village and usme ye hota hai ki aap log sponsor kar sakte ho different houses. So we've sponsored a house. So usme ye hota hai ki you pay
मंथली फॉर दैट हाउस का खर्चा, फॉर लाइक देयर खाना पीना, ऑल ऑफ दैट. सो वी हैव स्पॉन्सर्ड अ हाउस, बट अलोंग विद दैट वी गो एनुअली एंड वी ईद से पहले हम लोग जाते हैं और बच्चों के लिए सामान लेके जाते हैं, तो उनकी ईद ही लेके जाते हैं. बट दैट्स नॉट जस्ट फॉर आवर हाउस, नॉट द हाउस दैट वी हैव स्पॉन्सर्ड, द होल विलेज, लाइक फॉर द होल स्कूल, द होल ऑफ SOS विलेज, सब के लिए. तो हमारे पैकेट्स अभी ऑलमोस्ट बने 110 पैकेट्स हमने बना लिए हैं चीज़ों के. सो एवरीथिंग इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह. बस अभी इनके स्नैक्स और वो चीज़ें मैं लेके आऊँगी जाके, एंड देन वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह. देन टुमारो वील ट्रैवल एंड गिव इट टू द किड्स. डे 3 ऑफ द पैकिंग फॉर द किड्स. पहले 2 दिन का आपने देख लिया, आज डे 3 है. और ये जो अम्मा, ये बड़े लड़कों के है ना? हाँ, ये बड़े लड़कों वाले. तो ये उनके कपड़े हैं, यूथ विंग वाले जो किड्स हैं. तो ये उनके कुर्ता शलवार हैं और ये साथ उनकी खेड़ियाँ मैच हुई हुई हैं. ये उनकी साथ खेड़ी मैच हुई हुई है. सो उनको हम इसी तरह बॉक्सेस में ही दे रहे हैं, उनके हम उस तरह पैकेट्स नहीं बना रहे जैसे लड़कियों के बनाए. तो ये इस तरह उसका डब्बा, इन पर नाम लिख दिया. ये डब्बा जाएगा कुर्ता शलवार का, ये साथ जूते जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल, ये सारे लड़कों के कपड़े. गाइस, वी आर लीविंग टू गेट स्टफ फॉर द किड्स. ओहो हो, आंखें तो खुली नहीं रही थी धूप है. एनीवे, अब हम बच्चों के लिए खाने पीने वाला सामान लेने के लिए जा रहे हैं. एंड उसके बाद फिर एक स्टॉप मुझे और एक जगह पे लगाना है, टेलर के पास भी लगाना है. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. तो चलें, लेट्स गो, चलते हैं एंड बच्चों के लिए सामान लेके आते हैं. एक्साइटेड. ये हम इधर आ गए स्टोर पे एंड वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गेट देम बिस्किट पैकेट्स, विल गेट देम जूस एंड चिप्स. अभी देखते हैं कि कौन से पसंद करते हैं. मुझे लगता है सारे बच्चे सुपर तो खाते ही होंगे, या रियो, आई डोंट रियली नो कि वो क्या शौक से खाएंगे, बट लेट्स सी. कुछ पिक करते हैं, मिक्स ऑप्शंस. नाउ आई एम इन द कैंडी सेक्शन. दिस इज ऑल द कैंडी एंड द चिप्स. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस खोपरा कैंडी? बचपन में खाते थे स्कूल की कैंटीन से लेके. और एक ये भी एक खाते थे, चूरन चटनी. याद है आपको ये चूरन चटनी? चूरन चटनी यूज़ टू बी गुड. मैं दिल चाह रहा है एक पैकेट ले लूँ ऐसे. बच्चों को तो नहीं दूंगी मैं, ये स्पाइसी होती है अंदर से, बट बड़े मज़े की होती थी चटपटी. मैं कह रही हूँ कि हर बच्चा मैंगो जूस पीता है और सामा ऑरेंज और एप्पल ले रहे हैं. ना जी, मैं मुझे लगता है हर बच्चा मैंगो जूस ज़्यादा शौक से पीता है. तो मैंगो ले लें प्लीज, बिकॉज एवरी किड, आई फील लाइक एवरी किड लव्स दिस जूस. वी कैन जस्ट गेट द मैंगो जूस. ऑरेंज तो बच्चों के लिए कड़वा होता है, आई डोंट थिंक ऑरेंज उनको पसंद आएगा. एक तो मिल ही नहीं रहे ना जितने कार्टन मुझे, आई नीड एटलीस्ट 6 कार्टन्स ऑफ दिस जूसेस और वो मिल ही नहीं रहे. मिक्स कर लें, कोई बात नहीं. फॉर दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, कैंडीज, बिस्किट्स, जूस, चिप्स. सारे फिस जाएंगे गाड़ी में, तो चिप्स का कोई फ़ायदा नहीं है. चिप्स का मैं चिप्स के हक में नहीं हूँ बिल्कुल. जेलीज या कुछ अभी और ऐड कर लेती हूँ बस. पूछू, पुल इट, पूछू, गुड बॉय. हेलो गाइस, सो वी गॉट द स्टफ, पैक द रेस्ट ऑफ इट. एंड अभी बस हम इफ्तारी के बाद निकले थे बुलेट की वॉक के लिए, तो मैंने सोचा यहीं आप लोगों को. ये देखें इतनी तेज आ रही है गाड़ी, मतलब टर्निंग पे, किसी की टर्निंग पे इतनी तेज आनी चाहिए गाड़ी, और आगे से भी आ रही है. मतलब ये रेकलेस ड्राइविंग क्यों करते हैं लोग. एनीवे, अभी बस हम लोग बुलेट की वॉक के लिए आए थे इफ्तार के बाद, तो मैंने कहा यहीं आप लोगों से साइन आउट कर लूँ. इंशाल्लाह टुमारो वील बी गोइंग टू मुजफ्फराबाद, तो वो सारा कुछ आपको तब दिखाऊंगी. आई होप, आई नो इट वॉज नॉट अ वेरी हैपनिंग व्लॉग, मगर ये है कि आई होप यू गाइज इन्जॉयड वॉचिंग इट स्टिल, एंड इट्स फॉर अ गुड कॉज यू गाइज, सो वी जस्ट होप द किड्स लाइक एवरीथिंग. सो येस, आई एम गोना साइन आउट हियर. इंशाल्लाह आपको फिर मिलूंगी एक और व्लॉग के साथ. अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.